अभी देख रहा हूँ है ना, इसका जो जॉ स्ट्रक्चर है वो यार वैसे ही मतलब पिटबुल की तरह ही लग रहा है। मतलब आपको एक चीज की तसल्ली, बाइट बाइट फोर्स है इसकी पिटबुल से ज्यादा होती है, पिटबुल से ज्यादा बाइट फोर्स है। मतलब आपको तसल्ली हो गई होगी कि घर वालों ने पिटबुल तो नहीं रखने दिया पर ये है ना। गाइज वेलकम अगेन टू पेट लवर्स अनुतुष। गाइज आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया का एकमात्र ऐसा डॉग जिसकी जो आईज है वो होती है ट्राइंगुलर इन शेप, यानी कि तिकोनी आंखें और इतनी खूबसूरत आपको भी कर देंगी मतलब अट्रैक्ट। और पाजी से करते हैं रूबरू। बुल टेरियर के बारे में बताते हैं, बहुत ही खूबसूरत है यार। आप एक लाइक जरूर करना, देखते ही लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इंग्लिश बुल टेरियर कैसे लगेगा। सत श्री अकाल पाजी, क्या हाल चाल है? बस ठीक है पाजी, ठीक है जी। पाजी सबसे पहले तो व्यूअर्स को अपने प्यारे से डॉग से मिलवाइए और इंट्रोड्यूस कराइए ब्रीड के साथ। सर ये इंग्लिश बुल टेरियर ब्रीड है जी और इसका नाम लावर है। ये रशिया इम्पोर्ट है और डायरेक्ट रशिया से इम्पोर्ट है पाजी। हाँ जी। कितने टाइम का है ये? ये हो गया सर 5 साल का। 5 ईयर्स का है गाइज ये। और ये वाला? ये सर 15 मंथ का है और इसी का बच्चा है। इसी का ही बच्चा है गाइज, आप देख सकते हो यार मतलब रिजल्ट बिल्कुल सामने। फादर एंड सन। और पाजी ऑब्वियसली आप भी अपने आप को बाप ही समझते हो है ना, इनका मतलब होता ही है ना जो रिलेशन बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो पाजी आप देख ही रहे हो ये कैसे खेल रहा है बस। बिल्कुल, इतना तो ये अपने असली बाप से नहीं खेलता होगा है ना। पाजी कितना टाइम हो गया आपको इसमें काम करते हुए, स्पेशली इंग्लिश बुल टेरियर? इंग्लिश बुल टेरियर सर मैंने तकरीबन हो गए कोई 16-17 साल हो गए। 16-17 साल का एक्सपीरियंस। पाजी क्या सोच के, क्या सोच के शुरू किया था और अब मतलब वो जो सोच के शुरू किया था वो चीज हासिल कर ली है या मतलब वो बताइए व्यूअर्स को। सर जो सोचा था पहले तो मानिए कि बस ऐसे ही हंटिंग पर्पस के लिए एक मेल लेके आया था। अच्छा, मतलब आपने हंटिंग पर्पस के लिए? हाँ। लिया पर मतलब ऐसे बेसिकली जैसे जैसे उस टाइम पे ट्रेंड था ज्यादा पिटबुल का ट्रेंड था। पिटबुल का? हाँ। तो फिर पिटबुल जो था वो घर वाले नहीं मान रहे थे कि पिटबुल नहीं रखेंगे, वो ऐसे ऐसे लड़ाते हो लोग ऐसे करते हैं ना। आपका मन पिटबुल का था? हाँ। तो उस टाइम बुल टेरियर ले लिया मैंने। ओके। तो बुल टेरियर ऐसा लिया, एक लिया और ऐसे करते 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 फिर मैंने विद केसीआई का पता चला, फिर केसीआई ले लिए डॉग। तो फिर धीरे धीरे शो का शौक हो गया, फिर इम्पोर्ट करवा लिया डॉग। ठीक है, तो अभी ब्रीडिंग इनकी कर रहा हूँ। तो अभी हासिल करने की जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे सीखने के लिए हम बोलते हैं कि कोई उम्र नहीं होती, बस सारा चल रहा है मतलब अभी तक सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। हर साल कुछ नया ब्रीड करते हैं, हर साल कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनमें कोई जो इसमें कमी है वो इसमें नहीं होगी, जो इसमें कमी है वो आगे इसमें ब्रीड करेंगे वो खत्म करेंगे। एक्चुअली जो ब्रीडर है ना उसको ये सोचना चाहिए कि जो मेरे पास डॉग है उसके अंदर कमी क्या है। लोग ये नहीं सोचते, लोग बस यही सोचते हैं जो मेरे पास डॉग है वो परफेक्ट है। बिल्कुल, परफेक्ट सर कुछ भी नहीं होता। मतलब कमियां ढूंढने से हाँ, उसकी कमी दूर करो। हाँ, दूर करनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपके पास एक डॉग है तो बस ये बहुत बढ़िया है, इससे आगे कुछ भी नहीं है दुनिया में, इससे आगे भी बहुत कुछ है। जब ये बुल टेरियर ब्रीड किए गए तो इस टाइप के नहीं थे। क्या मतलब पाजी, क्या कहना चाहते हैं? इनका फेस टाइप है, जो फेस टाइप था वो बिल्कुल स्ट्रेट नोज था, जैसे आप लगा सकते हो लाइका पिटबुल टाइप ही फेस था लंबा, और उसमें ऐसे कर्व नहीं था जो इसमें अभी कर्व आ गया है। इसको बोलते थे ओल्ड टाइप हैंक बुल टेरियर। ओके। क्योंकि इनको जब ब्रीड किया गया था तो जेम्स हिंक करके था बंदा इंग्लैंड का, उसने ब्रीड किया इनको। ये बेसिकली पाजी बुलडॉग और इंग्लिश टेरियर से हाँ ब्रीड होके है ना। हाँ जी, हाँ इंग्लिश बुल टेरियर बना है। हाँ, तो पाजी एट प्रेजेंट कितने डॉग्स हैं आपके पास कैनल में? एट प्रेजेंट सर घर में जो अभी मेरे पास बुल टेरियर हैं, हमारे जैसे दो कैनल हैं, एक यहाँ पे एक जम्मू में है। अरे जम्मू में भी पाजी? हाँ, क्या बात है। हाँ, मतलब जम्मू में भी है एक। तो अभी जो मेरे घर पे अभी हैं 6 डॉग हैं मेरे पास, 2 मेल हैं और 4 फीमेल हैं, और 3 फीमेल जम्मू पे है। 3 फीमेल्स पाजी ने जम्मू में रख रखी है। पाजी ये जो इंग्लिश बुल टेरियर का कलर होता है वो व्हाइट होता है या कोई और भी कलर नहीं, में आते हैं? बहुत कलर आते हैं इसमें, ब्लैक एंड व्हाइट आता है, ट्राई कलर आता है, मतलब अलग अलग क्रॉस हाँ, करा के लोगों ने कलर में भी मतलब हाँ, अलग कलर में भी काफी डिफरेंस आया है। और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ट्राई कलर हो गया, ब्रिंडल व्हाइट हो गया, जैसे बॉक्सर का कलर होता है,
पूरा ब्रिंडल भी आता है इसमें, ब्राउन व्हाइट आता है, ब्राउन कलर आता है, मतलब कलर काफी आते हैं इनमें। तो पाजी ये जैसे मतलब देखने में इतने प्यारे लगते हैं, है ना, मासूम से क्यूट से होते हैं, क्योंकि इनकी आईज जो होती है वो अट्रैक्ट करती हैं, जो ट्रायंगुलर इन शेप होती है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। ये बताइए कि ये गार्डिंग पर्पस के लिए भी सही है, मतलब अगर कोई आता है तो उसके लिए कैसा आप बोलोगे? गार्डिंग पर्पस के लिए बिल्कुल बढ़िया डॉग है, ठीक है। और ये सिर्फ गर्मी में, सर्दी में ये सो जाते हैं, ठंड में, सर्दी में सो जाते हैं, ठंड ज्यादा लगती है, सर्दी इनको ज्यादा लगती है, गर्मी में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। ओके, सर्दी इनको थोड़ी ज्यादा लगती है, तो इस वजह से फिर मैं अभी जर्मन भी ब्रीड कर रहा हूँ लास्ट ईयर से। ओके बाजी, हाँ जी, ताकि मतलब आपको अगर ये सर्दी में सो जाए, है ना, तो जर्मन होने चाहिए, हाँ मतलब हाँ सर्दी, हाँ जी, हाँ जी, सर्दी में प्रोटेक्शन के लिए। हाँ जी, हाँ जी, आपने देखा तो है ये अभी एरिया कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो चेक कर सकते हैं यार। मतलब ये पाजी की खास बात, पाजी बता रहे थे कि यार अगर आपके पास डॉग्स है ना ज्यादा, तो आपके पास एरिया होना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि डॉग्स को ऑब्वियसली चाहिए ही होता है यार खुला एरिया, ताकि वो अच्छे से घूम फिर सके। ऐसा नहीं कि आपने 10 डॉग ले लिए और जगह है नहीं, फिर वो मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो पाजी बात को ये बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी ब्रीड लेते हो तो वीडियो देख के मत लो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने मेरी मान लो वीडियो देखी है, तो आपके अंदर ये आ जाए नहीं नहीं यार ये नई ब्रीड है इसको रखते हैं। कोई भी ब्रीड आप रखना चाहते हो, पहले आप अपने पास देखो स्पेस कैसी है, आपने रखना कहाँ पे है डॉग। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जामिन करो डॉग को जो आप ब्रीड रख रहे हो। ये नहीं है कि आपने 4 महीने बच्चा पाला, वो आपको अभी तंग कर रहा है, सर अभी हम नहीं रख सकते, इसको वापस भेज दो, ठीक है। फिर वो क्या होता तंग है, तो पाजी अपने बच्चे भी करते हैं ना इंसानों के। तंग करने की बात ही मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप मानिए कोई ब्रीड है, ठीक है, इसको मानिए आपको कम से कम 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। आप अपार्टमेंट में रखा है, आप जॉब पे गए हो, सारा दिन घर में इनको छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, ये आपके सोफे फाड़ रहा है, एग्रेशन तो फिर दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल, मतलब अपनी ये एनर्जी तो वेस्ट करनी है इन्होंने, कहीं तो करनी है। अगर आप पार्क में नहीं लेके जा रहे तो एनर्जी तो वेस्ट करनी है। ये बात पहले सोचिए, जब आपने एक पपी लेना है, मानिए आपके पास 10 से 15 साल एक बच्चा रहेगा ना, तो उसको उस हिसाब से आप चॉइस कीजिए। डॉग चॉइस करने के लिए आपके पास पहले टाइम होता है, जब आप ले लेते हो उसके बाद आपके पास टाइम कोई चॉइस नहीं रहती, कोई चॉइस नहीं रहती, फिर आप ढूंढते हो कोई अडॉप्शन के लिए आ जाए। एग्जैक्टली, तो आप जब भी कोई ब्रीड चूज करना चाहो पहले उसके बारे में पता करो कि उसके लिए प्रॉपर जगह कितनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर अच्छे से स्टडी करके, मतलब आप पूरा स्टडी कीजिए पहले डॉग ब्रीड के बारे में, और उसके बाद ही आप कोई भी डॉग अगर लेना है तो उसको सिलेक्ट कीजिए। गाइज आप चेक कर सकते हो यार, इतनी मतलब मस्क्यूलर ब्रीड होती है ना, आप इसका पॉ साइज चेक कीजिए यार, मतलब अल्टीमेट। और मतलब वैसे भी लुक वाइज भी ये बहुत मस्कुलर होते हैं, ऑब्वियसली फिर गार्डिंग पर्पस के लिए तो सही है ही है। तो पाजी आप वीडियो बना रहे हैं तो आप देखिए कैसे वो शांत बैठे हैं, लेकिन जब भी मैंने इसकी लीड छोड़ दी ना तो अटैक नहीं करेंगे ये, ऐसे खेलेंगे जैसे बस मतलब मस्ती के मूड में हो जाते हैं, मतलब अगर अभी इनको चेन लगा रखी है, वैसे मैं इनके कॉलर नहीं डालता, ये आपने देखा होगा ये स्लिपली लीश ही है जो मैंने इनको डाली हुई है। मैंने किसी भी आप वीडियो बनाओगे किसी भी डॉग के गले में कोई पता नहीं होगा। ओके, उससे क्या रहता है भाजी, मतलब क्यों? वो एक गुलामी की निशानी हो जाती है, जब हम किसी के गले में पट्टा डाल देते हैं वो गुलाम ही हो जाता है। हमने गुलाम थोड़ी ना रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो एक बच्चे की तरह रखे हुए हैं इसको। भाजी बात करते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा रहता है ह्यूमंस के साथ एज वेल एज बच्चों के साथ। सर ह्यूमन के साथ ये बिल्कुल प्लेफुल होते हैं, ठीक है, और एनिमल अग्रेशन इनमें बहुत ज्यादा होता है। एनिमल अग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि ये ब्रीड ही हंटिंग ब्रीड है। ओके, तो आप किसी भी मतलब मानिए, मतलब जैसे आप बता रहे हो कि आपके पास जर्मन शेफर्ड भी है, हाँ, तो जर्मन शेफर्ड और इनको आप खुले में छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेल के साथ, अदर मेल के साथ इनको नहीं छोड़ सकता। जैसे मेरे पास शेफर्ड मेल है, शेफर्ड मेल के साथ इनको नहीं खुला छोड़ सकता, फीमेल के साथ ये रह लेंगे लेकिन शेफर्ड मेल के साथ इनका टाई अप नहीं होगा। मानिए आपके घर पे गाय भैंस है अगर, तो आपने बच्चा पाला हुआ है छोटा, तो कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप अचानक से ये आपके पास 1.5 साल का 2 साल का डॉग है, आप बाहर रोड पे लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे इसको कोई गाय भैंस बकरी दिखेगी तो उसके ऊपर ही अटैक कर ही रहा है। अगर आपने इसको प्रॉपर इसको आप हैंडल कर सकते हो घुमाने के लिए, तो तभी आप इसको रखिए, अदरवाइज नहीं। गाइस चेक कर सकते हो, हरजीत पाजी के पास शो क्वालिटी डॉग्स हैं यार, मतलब अमेजिंग
इनकी बात है यार, बहुत ही प्यारे ये डॉग्स हैं। तो पाजी बात करते हैं इनकी, मतलब मैक्सिमम जो हाइट होती है वो कितनी हो जाती है? सर 21 से 22 इंच इनकी मैक्सिमम हाइट है मेल की। ये स्टैंडर्ड साइज की है। स्टैंडर्ड साइज। इसमें एक और स्टैंडर्ड आता है, वो मिनिएचर बुल टेरियर होते हैं, उस कम होती है। हाँ, उनकी हाइट 15-16 इंच के आस। नहीं कम होती है, उससे भी कम होती है। 13-14 इंच रहेगी उसकी हाइट, मानिए पग की तरह होती है उनकी हाइट, लेकिन एनर्जी लेवल उनमें भी सेम ही होता है। जो पाजी मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब अभी देख रहा हूँ, है ना, इसका जो जॉ स्ट्रक्चर है वो यार वैसे ही मतलब पिटबुल की तरह ही लग रहा है। मतलब आपको एक चीज की तसल्ली, बाइट फोर्स है इसकी पिटबुल से ज्यादा होती है। पिटबुल से ज्यादा बाइट फोर्स है, मतलब आपको तसल्ली हो गई होगी कि घर वालों ने पिटबुल तो नहीं रखने दिया, पर ये है ना। हाँ जी, हाँ क्योंकि हाँ बाइट फोर्स की बात कर रहे हैं पाजी की पिटबुल से ज्यादा होती है। तो इसका भी पाजी वही सिस्टम होता है, अगर लॉक कर दिया तो फिर नहीं तोड़ा। लॉक हर डॉग का होता है, ठीक है। वो जो टाइमिंग होती है लॉक करने की, वो उसके स्टेमिना पे डिपेंड करती है। जो लॉक होता है ना, वो सर ये वाले जो केनाइन होते हैं, ये होते हैं लॉक। ऑल राइट, ठीक है। अगर ये हर ब्रीड में यही होगा साइज, अगर ये इसने लॉक कर दिया, हाँ, फिर मुश्किल है। हाँ, मानिए ये जो ग्रिप हो जाएगा ना दोनों का, फिर वो किसी भी ब्रीड का स्टेमिना पे डिपेंड करता है, वो कितनी देर लॉक कर सकता है उसको। ऑल राइट, तो पाजी इनके वेट की बात कर लेते हैं, वेट कितना हो जाता है? वेट सर अडल्ट डॉग का जो होगा अपने 28 से 40 केजी तक चले जाते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज में। ऑल राइट, तो इनके जो पपीज हैं पाजी, पपीज भी आपके पास अवेलेबल होते हैं? सर पपीज होते हैं, लेकिन सारा साल नहीं होते, क्योंकि मैं ब्रीडिंग करता हूँ सिर्फ अपने, मानिए एक शौक के लिए कर रहा हूँ ब्रीडिंग, ऐसे नहीं है। बट एक होता है ना पाजी जो मन में, मतलब एक साल में जैसे लोगों के पास हम पूछते हैं सर हर महीने बच्चे मिल जाएंगे, वो काम नहीं, वो पैसों के लिए कर रहे होते हैं। बट अगर बात करें कि जैसे ये अभी आप अगर वीडियो मैं आपको दूसरी फीमेल्स दिखाऊंगा, उनमें ना तो कोई हीट पे ना कोई कंसीव है, ठीक है, और ऐसे ही रख रखी है जिनका लिटर लिया हुआ है एक बार पहले साल में, और दूसरी बार एक हीट मिस करवा के। इसी हिसाब से तो पाजी बच्चे आपके पहले से ही बुक हो जाते होंगे अगर आप। तकरीबन सर 90% बुक होते हैं। लेकिन पाजी बात करते हैं इनकी डाइट की, है ना, आपके पास जैसे डॉग्स हैं बुल टेरियर हैं, तो डाइट क्या रहती है पाजी सुबह से लेकर शाम तक? सर जो मेरे बड़े डॉग हैं, मैं कोई ऐसे बड़ी बात नहीं बोलूंगा, सुबह सर इनको दही होता है और उसमें थोड़ा सा मैं फूड डालता हूँ, डॉग फूड, और शाम को इनको चिकन और राइस बीच में पंपकिन मिक्स करके, ठीक है, वो इनको देता हूँ। ऑल राइट, तो पाजी अगर कोई पपी आपसे लेकर जाता है बुल टेरियर का, उसको क्या सजेस्ट करते हो कि पपी को क्या डाइट देनी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं लोग, कुछ भी दे देते हैं, ओवर ईटिंग भी करवा देते हैं, है ना? सर पहली बात तो ये आ जाती है कि आप बच्चा ले कितनी एज का रहे हो। बिल्कुल, उस हिसाब से डाइट बता। मान लीजिए कोई 2 महीने का लेता है पाजी, दो महीने का बच्चा लेता है, सर जो हम डाइट दे रहे हैं वो उसको प्रॉपर बता देंगे कि सर हम इस कंपनी का फूड दे रहे हैं, ठीक है, और मैं सर एक्सपेरिमेंट करता ही रहता हूँ हर बार। मैं लोगों के लिए बस ये नहीं बोलना चाहूंगा आप रॉयल कैनन डालो, ये डालो, वो डालो, मैं सर चेंज करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट से। गाइस मैं बता दूं, मतलब पाजी का कहना ये है, पाजी की यहाँ नियर बाय होशियारपुर में ही एक पेट शॉप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी आपने अगर मतलब पाजी से कोई सजेशन लेनी है या डॉग फूड लेना है या कुछ भी, मतलब आपने डॉग से रिलेटेड आपको कोई काम है तो पाजी को कांटेक्ट कर सकते हो। और सर मैं जैसे कोई भी डॉग फूड है उसका मैं पूरा शुरू से लेके स्टार्टर से लेके अडल्ट तक मैं उसको पूरा सर्च करता हूँ कि इसमें कितनी डोज देनी है। कई बार क्या होता है कि आप आरसी मानिए डॉग को दे रहे हो, 100 ग्राम दे रहे हो एक बच्चे को, है ना, तो आप उसको एकदम से शिफ्ट किसी और फूड पे कर रहे हो, तो लोग क्या करते हैं जब वो मानिए उसका रॉयल कैनन खत्म हो रहा है, मानिए जब मानिए एक मेरे से लेके जा रहे हो और मैं इसको रॉयल कैनन का स्टार्टर दे रहा हूँ, आप वहां पे लेके जाओगे, जाते ही आप उसको शिफ्ट कर रहे हो किसी दूसरे पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी डॉग फूड पे आप शिफ्ट कर रहे हो, तो उससे बच्चे का पेट खराब होगा ही होगा। पाजी इतने सारे डॉग्स हैं, है ना, इनके सबके अलग अलग नाम रखे होंगे आपने। हाँ जी, तो मतलब पहचान में आ जाते हैं सब या कभी आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि आप ही ये कौन से वाला है? नहीं सर, जैसे मानिए कोई भी आप काम करते हो, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको सारा कुछ पता ही होता है। बिल्कुल, मानिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पाजी मैंने तो आज इससे मिला, ये आप बोल रहे हो 5 साल का है ना, 2 दिन बाद अगर मैं मिलूंगा मैं भूल जाऊंगा भी मैं किससे मिला था। मैं आपको एक ना बात बताता हूँ, मेरे पास एक तो मेरे फ्रेंड है वो आई मीटिंग करवाने इससे। ऑल राइट, तो नहीं इससे बड़े से मीटिंग करवाने आए, तो मैंने ना उनमें मजाक में मैंने ये डॉग निकाल लिया, तो उन्होंने
अपनी फीमेल पकड़ ली, बोला भैया छोड़ो इसको डॉग को। मैंने बोला इसको छोड़ दूं? बोले हाँ इसको छोड़ो, ये लावर नहीं है। मैंने बोला नहीं ये उसका बच्चा है। वो कंफ्यूज हो गए, बस इनकी जो मार्किंग है कान के ऊपर उसकी वजह से ये पहचाना गया कि ये उसका बच्चा है। अदरवाइज मतलब आपको तो पता नहीं है, आपको तो पता लग ही जाता होगा भाजी। सर कोई भी आप काम करते हो उसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर पता चल ही जाता है। तो पाजी इनके जो पप्स अवेलेबल होते हैं वो उनकी प्राइसिंग क्या रहती है? प्राइस सर अकॉर्डिंग टू क्वालिटी होता है, 30,000 से शुरू हो जाता है, 1,00,000 तक चला जाएगा। ऑल राइट, तो पेपर्स वगैरह भी पाजी भी साथ में प्रोवाइड करा देते हैं? पेपर सर प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल राइट, तो जैसे पाजी आप बोल रहे थे कि आपको पिटबुल लेने की इजाजत नहीं मिली, बुल टेरियर की ही मिली, तो अभी कैसा चल रहा है पाजी घर वालों के साथ? मतलब वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं इनके साथ खेलते मिलते हैं, प्यार करते हैं इनको? सर क्या आपको एक बात ये बताता हूँ कि मेरे घर वालों को डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी तक भी पसंद नहीं? अभी तक भी पसंद नहीं है। तो कैसे मैनेज करते हो पाजी आप? सर मैंने कोई लड़का नहीं रखा हुआ। ऑल राइट है, इनकी केयरिंग के लिए मैं खुद ही करते हो? हाँ, जब मैं कहीं शो वगैरह पे गया हूँ तो जो मेरी शॉप पे लड़का होता है वो शाम को डाइट देगा, अदरवाइज मॉर्निंग डाइट मैं ही देके जाऊंगा। और जब मैं लेट हो जाऊंगा तभी कोई और लड़का आके इनको देखेगा, अदरवाइज मैंने कोई परमानेंट कोई नहीं रखा हुआ, मैं खुद ही करता हूँ, इतने देर से मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो गाइस आपने देखा कि बहुत ही प्यारे और शानदार यहाँ पे बुल टेरियर, और मजा ही आ गया, यहाँ पर जाने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों दोस्त, क्या नाम है पाजी इसका? लावर। चले आपको ले चले हम है? अरे ये भी तैयार है फिर मेरे साथ जाने को। तो गाइस मतलब आप कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे, और बहुत ही प्यारे लगे यार मेरे को, सच में मजा ही आ गया। मिलते हैं आपको अगली डॉग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।